सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निफ्टी पीएसयू बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा लगाने से लास्ट वन ईयर में कितनी ग्रोथ हुई है और चार्ट को कैसे देखते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, ये तो बताएंगे ही बताएंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि आप ये भी समझ पाएँ कि अगले आपके पास एक साल दो साल में कहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। चलिए देखते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट को समझते हैं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है जून 2020 है और जो राइट हैंड साइड है वो जून 2021 है। इट मीन्स अगर हम बात करें तो ये हमारा लास्ट ईयर था और ये हमारा करंट ईयर है। तो लेफ्ट साइड में 1400 रुपीज़ के आसपास इसका इंडेक्स उस समय ट्रेड हो रहा था और वो बढ़ते 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 आज के डेट पर जो करंट दाम है वो ये लिखा होता है। इट्स का मतलब है निफ्टी पीएसयू बैंक में अगर किसी ने एक साल पहले अगर 1400 रुपये लगा रखे थे तो वो 1400 रुपये आज हो गए हैं लगभग यहाँ पे दाम है 2500 रुपये के आसपास का। इट मींस इसको हम लोग बोलते हैं लगभग 80% रिटर्न मिला है। कुड यू जस्ट बिलीव दिस, 80% रिटर्न बैंक एफडी पे, जहाँ आज की डेट में नेशनलाइज बैंक पे 5% इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके या इसके पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करके 80% तक रिटर्न आपने बनाया है। और अब ज़रा इसको हम एक और एंगल से बताने वाले हैं कि ये तो पिछले एक साल का डेटा हो गया, ज़रा इसी टाइम फ्रेम को अब देखिए तो अब आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है। चलिए मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ और टाइम फ्रेम को हम लोग कर देते हैं यहाँ पर दो साल। अब आप दो साल का चार्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर और ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि दो साल पहले ये इंडेक्स 3000 रुपये के आसपास था जो अभी भी वहाँ वापस नहीं पहुँचा है। अब वापस यहाँ पर चेक करो, एक साल में तो डेफिनेटली अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करें तो वो यहाँ से यहाँ आ गया है। एक साल में तो 1400 का इंडेक्स 2500 हो गया है, लेकिन दो साल का टाइम हॉरिजन अगर आप देखो 2019 के कंपैरिजन में देखो तो इंडेक्स यहाँ कहीं पर था, वो अभी भी अपने पिछले ऑल टाइम हाई को कवर नहीं कर पाया। इट मीन्स अभी भी यहाँ पर और ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी है। चलिए इसी को और डिटेल में देखते हैं और अब सारी चीज़ें आपके मन पर खुद ही क्लियर हो जाएंगी। अगर हम लोग यहाँ पर देखें इसका चार्ट की एनालिसिस करें, 5 ईयर चार्ट, अब आप देखो, अब आपको यहाँ बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि 2018 में इसका हाई लगभग बना था 4000 के आसपास और 4000 का इंडेक्स, मतलब आप सोचो कि ये एक शेयर है थोड़ी देर के लिए, तो 4000 का शेयर 1400 हो गया और 1400 से वापस 2500 हो गया। और अब ये जब टर्न अराउंड स्टोरी करेगा, जिसको बोलते हैं चर्निंग ऑफ द सेक्टर, पूरा सेक्टर जब वापस रिवाइव होगा ये, तब ये अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर जाएगा। इट मीन्स 2500 रुपये के आसपास ये अभी है और अभी भी ये 4000 का ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। इसका रीज़न क्या है, इसमें इतना डाउनफॉल क्यों आया और क्या अपॉर्चुनिटी है, चलिए देखते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। पीएसयू बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टॉक शामिल होते हैं, उसमें अगर आप देखें यहाँ पर तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। तीन जो बड़े बैंक हैं सरकारी बड़े बैंक, उसमें एसबीआई है, पीएनबी है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब इसका रीज़न क्यों है, ये इतना 4000 का पूरा जो ये स्टॉक था इतना नीचे क्यों आ गया, चलिए देखते हैं। तो जो यहाँ पर चार्ट की एनालिसिस आपको बता रही है, मैं आपको फिर से एक बार शो करता हूँ ताकि आप इसको और बढ़िया तरीके से देख पाओ। अब आपको यहाँ पे क्लैरिटी भी ज़्यादा मिलेगी कि ये इंडेक्स आप देखो इस पैटर्न पे, जिस तरीके से पैटर्न का ये चार्ट मैंने दूसरा चार्ट आपके सामने लगाया है, ये हाई बना था और ये लो गया और फिर ये लो आया, अब ये कप एंड होल्डर पैटर्न बता रहा है अगली बार ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो इट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ से आपकी एनालिसिस जो होने वाली है निफ्टी पीएसयू बैंक में, इतना रनअप अभी भी बाकी है, यहाँ पर अभी भी बहुत रनअप बाकी है। रनअप कितना बाकी है, ये यहाँ से वापस फ्लाई करेगा और यहाँ चलेगा। इसका गिरने का रीज़न क्या था, क्या रीज़न था कि वो यहाँ से यहाँ आ गया, एक विजय माल्या वाला केस था, एसबीआई का एक्सपोजर था, विजय माल्या के पास बहुत हैवी अमाउंट वहाँ था उनके पास, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड डेट्स हो गया, पीएनबी में चौकसी वाला केस हो गया, नीरव मोदी वाला केस हो गया, ये सारे रीज़न थे कि पब्लिक सेक्टर बैंक के जो बड़े प्लेयर्स थे एसबीआई, पीएनबी, वो नीचे आ गए। और ओवरऑल निफ्टी पीएसयू बैंक के इंडेक्स में कई बैंक शामिल होते हैं सरकारी, तो जब बड़े बड़े प्लेयर्स नीचे गिर रहे हैं तो ये पूरा इंडेक्स नीचे आ गया। अभी भी इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप देख सकते हो ये केवल 2500 पे है। आप इस चीज़ को समझो पहले, इसकी इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी को समझो, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम अभी चैनल पे आपको और देने लगेंगे, एकेडमिक्स के साथ साथ आपको फाइनेंशियल नॉलेज और अवेयरनेस देते रहेंगे। इसको आप समझो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी इन्वेस्ट करने की, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड इन फाइनेंशियल मार्केट, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है,
जो भी पैसा आपका है, जो कैपिटल आपकी है, उसको प्रोटेक्ट करके रखिए और अपनी नॉलेज में पैसा इन्वेस्ट करिए। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, उसमें समय अपना इन्वेस्ट करिए और फिर आप जब 2-3 साल बढ़िया पेशेंस डेवलप करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलेगी और आप अच्छे से अमाउंट यहाँ पर अर्न भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आपके पास लेकर आने वाले हैं इस सीरीज़ का। ये वीडियो, इसको आप देखिएगा, इसको समझिएगा। चार्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसको समझना ज़रूरी है। ये चार्ट देखिए कब का है, 2018 पे यहाँ पे थे हम लोग, उसके बाद 2020 आते आते ये बॉटम बना यहाँ पर, लास्ट ईयर पेंडेमिक के बाद बिल्कुल लोएस्ट पे था और अभी रिवाइव हुआ है 1400 से वापस जाकर ये यहाँ तक आया है। लेकिन अभी ये अपना पूरा सेक्टर जब टर्न अराउंड स्टोरी देगा तो ऑल टाइम हाई को भी तोड़ेगा, प्रीवियस हाई को जब तोड़ेगा तो फिर ये 4000 के भी ऊपर जाएगा। इट मीन्स अभी अगर देखें तो 2500 रुपीज़ के रेट पर निफ्टी PSU बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करने को मिल रहा है। मीन्स अगर एक यूनिट इसका ख़रीदते हैं, थोड़ी देर को बोलो कि अगर निफ्टी PSU बैंक में आप पैसा लगाते हो एक साथ, तो एक यूनिट ख़रीदने के लिए आज की डेट में लगभग 2500 रुपीज़ आपको लगाने पड़ रहे हैं। और उम्मीद ऐसी दिख रही है जिस तरीके से बैंक में गवर्नमेंट पूरा रीफ्रेम कर रही है, जिस तरीके से नेशनलाइज बैंक को, सरकारी बैंक को गवर्नमेंट अच्छे से रिकैपिटलाइज कर रही है, तो उम्मीद है, ऐसी उम्मीद दिखाई जा रही है। जो मार्केट एक्सपर्ट, जेन्युइन मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनका यहाँ पर यह कहना है कि 2-3 साल में SBI का शेयर जो अभी 400 रुपये के आसपास है, वो 1000-1100 रुपये भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहने का सेंस ये है कि हम केवल अगर ओवरऑल रिटर्न देखें तो 2500 अगले 1-1.5 साल में आराम से तोड़ता नज़र आ रहा है, ये 4000 रुपये के ऊपर निकलेगा। इट मीन्स यहाँ से भी आपको 70-80% का हेफ्टी रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो इस तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करते हैं और इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों का लगातार रिकमेंडेशन आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हम और वीडियो बनाकर आपको अपडेट करते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।